हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेस्टबुक डॉट कॉम माई नेम इज यु तिवारी एंड होप यू आर डिंग वेल यस गाइज सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं सो प्लीज़ एक बार कन्फर्म कीजिएगा दैट ऑडियो एंड वीडियो बहुत हर क्लियर और आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं और एवरी इज फाइन सो सभी का स्वागत है आज के सेशन में सभी को नमस्कार आई होप कि सारी चीजें क्लियर है है ना सो so, दोस्तों आप सभी को मालूम है कि डबल ए आई ए टी सी के लिए हम लोग और रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं और हर एक मॉक टेस्ट में हमारा प्रयास होता है कि आप सभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी कवर कराए जाए ठीक है सो इसमें अभी तक अगर हम लोग बात करने जाए दोस्तों टोटल हम लोग दो पार्ट कवर कर चुके हैं ठीक है और आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं याद रखिएगा वो है हमारा पार्ट नंबर थर्ड ठीक है सो so, जितने भी कैंडिडेट कनेक्टेड है मैं सभी को बोलूंगा कि एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दें और शेयर कर दें सो so दैट आपके जितने भी मित्र बंधु होंगे वो सभी इस सेशन को अटेंड कर पाएंगे ठीक है सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हर एक सेशन में जो आपके टोटल क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं कि फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम तक प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी इस बात की मैं गारंटी लेता हूं तो अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपके बेहतरीन प्रिपरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी तरीके से दोस्तों लेता हूँ ठीक है so तो चलिए शुरू करें हम लोग आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है चलिए हाँ इवनिंग सेशन अभी होल्ड किया गया है इवनिंग सेशन याद रखिएगा अभी थोड़ा सा होल्ड किया गया है और अभी जो कंटिन्यू रहेगा वो आपका आफ्टरनून वाला सेशन ही रहेगा ठीक है ठीके? सो so भी फिलहाल आफ्टरनून वाला सेशन कवर करिएगा जब आपका इवनिंग सेशन फिर से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे दोस्त ठीक है <coughs> और बाकी शिकायतें हैं कि सर पिछली दो तीन पी नहीं मिली है शिकायतें जायज भी हैं, है ना और वो सभी मुझे स्वीकार भी हैं, तो आज ये सारी शिकायतें सॉल्व हो जाएंगी और डेफिनेटली विल अपलोड द रिमेनिंग पीडीएफ तो जो भी पीडीएफ अपलोडेड नहीं है दो तीन पेंडिंग पड़ी हुई है वो सारी मिल जाएंगी आज है ना <coughs> और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखेगा दरजा स्विसे बुक ठीक है तो यहाँ पर पीडीएफ क्विजिट डिस्कशन डायरेक्ट इंटरेक्शन पोल्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा और बाकी आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड दरेजा एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है code, SHIV, KT, discount, तो ये कूपन कोड लगातार आप यूज करते रहें फोर प्लस से ज्यादा कोर्सेस हैं आपके दो सौ से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं फिफ्टीन प्लस लाइव क्लासेस और वन वन जीरो मॉकटेस है ठीक है <coughs> तो किसी भी कूपन कोड को एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए यूज दिस कूपन कोड ठीक है और बाकी आप डेली जुड़ सकते हैं हमारे साथ मास्टर क्लास में मास्टर क्लास डेली होती है आपके मंडे टू फ्राइडे थ्री पी पर और अगर आप यहाँ पर बेहतर करते हैं यानी कि आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो टेक्स बुक टीम आपको कनेक्ट करेगी और जो भी टेक्स बुक कोर्सेज है उन सभी पर आपको सीधे मिलेगा दोस्तों पचास तक का डिस्काउंट ठीक है तो आप अपने नॉलेज को एवेलुएट कर सकते हैं रैंक वगैरह भी देख सकते हैं और काफी बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पर डेली स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है so, सो चलिए रुक करते हैं आज के सबसे पहले सवाल का और देखते हैं कि आज का सबसे पहला सवाल कौन सा है दोस्तों ठीक है सो ये रहा आप सभी के के सामने आज के सेशन का सबसे पहला सवाल सौरभ यस वेरी गुड आफ्टरनून प्रिया वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है चलिए दोस्तों सो सबसे पहला सवाल जोग्राफी से जुड़ा हुआ तो इसमें हम लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे जरा बताएगा कि विच ऑप्शन इज राइट ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों देखो ज्योग्राफी में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है एक एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ और एटमॉस्फेयर की जो भी आपकी लेयर्स होती हैं उससे जुड़ा हुआ दोस्तों ठीक है तो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो हमारी पृथ्वी के सतह के चारों तरफ एक गैसेस का या हवा का वातावरण आवरण है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं जो हमारी बहुत सारी चीज़ों से रक्षा करता है हमको पृथ्वी पर एक आप कह सकते हैं मीन टेम्परेचर बनाए रखता है ठीक है जीवन जीने के लिए गैसे मुहैया करता है ठीक है बहुत सारी चीजों से हमारी रक्षा भी करता है जिसमें आप यूवी रेज की बात कर सकते हैं मेटेर्स की बात कर सकते हैं ठीक है ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी जो आपने पढ़ी है कि पांच लेयर होती हैं ठीक है पांच लेयर्स होती हैं और इस लेयर्स का ऑर्डर कैसा होता है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि लोअर से अगर हम लोग अपर जाएंगे ठीक है लोअर से अगर हम लोग किसकी ओर जाएंगे अपर की ओर तो आपने एक ऑर्डर पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपकी रहेगी दैट इज अ ट्रोपो है ना ट्रोपो के बाद आप पढ़ते हो दैट इज आट्रेटो स्ट्रेटो के आप पढ़ते हो बाद दैट इज अ मैशो फिर आप पढ़ते हो थर्मो थर्मो की लोअर लेयर को हम लोग क्या भी बोलते हैं आइनो स्पेयर भी बोलते हैं और सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज अ एक्जो स्पेयर ठीक है सो so, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज अ तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैरी गाजा जो ग्रीक नेम था वो निम्नलिखित में से किसका था बरेली बारामती भुवनेश्वर या फिर भरूच विच ऑप्शन इज राइट तो इस क्वेश्चन का जरा सही आंसर बताइएगा कि आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट ठीक है भरूच इज द राइट आंसर ठीक है याद रखे ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा गया कि द मूवमेंट इन साइड द अर्थ क्रस्ट इज इज स्टडीड ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों ठीक है तो अगर देखो आपको इंटीरियर अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है स्टडी करनी है किसके बारे में इंटीरियर ऑफ अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको स्टडी करनी है तो आपको निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को पास करना होगा निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को आपको पास करना होगा तब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी कर पाएंगे और इंटीरियर ऑफ अर्थ की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको सिस्मोलॉजी आपने पढ़ा होगा कि आप सिस्मिक वेव को क्या करते हैं यहाँ पर पास करते हैं ठीक है थीके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकेंड इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस्मोलॉजी ठीक है चलिए अगला सवाल हो गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कनाडियन सील्ड है इज अनादर नेम फॉर द प्लेटलेव तो कनाडिज सील्ड का पठार का दूसरा नाम क्या है इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं इसको ठीक है सेंटा रोजा रुआन है लॉरेनियन है या फिर एलेगनी तो जो आपका कनाडा का पठार पढ़ते हैं हम लोग उसका दूसरा नाम क्या है और कनाडा के दूसरे पठार का नाम है दैट इज अरेनियन इज द राइट आंसर और इसमें से जो सही आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों वेयर इज इक्वेबल क्लाइमेट फाउंड तो इक्वेबल का मतलब होता है सम जलवायु सम जलवायु का मतलब आप कह सकते हैं ना तो ज्यादा आपका हॉट होगा ठीक है ना ही ज्यादा आपका कैसा टेम्परेचर होगा ये आप बोलेंगे कोल्ड होगा तो एक आप बोलेंगे कि आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा जैसे आपको खास तौर से ये एरिया की अगर मैं बात करने जाऊं जैसे आपका नासिक हो गया पुणे हो गया गोवा हो गया ठीक है तो ये जो आपके एरियाज होते हैं दोस्तों ठीक है यहाँ पर आपको एक टेम्पेरेट कह सकते हैं ठीक है टेम्पेरेट का मतलब तो जानते हो ना कि एक बेहतरीन जलवायु मिलती है ना ज्यादा सर्मी ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नियर द ओशियन ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो इस समय नॉर्थ इंडिया की तो आपको मालूम है दोस्तों पहाड़ों की तो बात ही मत करो हालत खराब है इस समय है ना और समुद्र तो से दूर जाओगे तो इस समय आपकी ऑलरेडी आप, आपको मालूम है सीवर मिलेगा दोस्तों सीवर का मतलब तो जानते हो ना दोस्तों कि बहुत सर्दियों में सर्दी बहुत अधिक गर्मियों में गर्मी बहुत अधिक और सर्दी तो इस समय मालूम है कि लोग दो दो स्वेटर पहन रहे हैं तो भी काम नहीं चल रहा है दोस्तों ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन ठीक है वन इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के नियर द सी जितने भी सिटीज है वहीं पर जाकर के बस जाए तो कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं ठीक है अगला सवाल है कि हु हुज द फादर ऑफ रसियन रेवोल्यूशन तो रूसी क्रांति के जनक कौन थे जॉर्ज वाशिंगटन मैक्समुलर लेनिन या एडोल्फ हिटलर So, दोस्तों ये जो एडोल्फ हिटलर हैं इनके बारे में अगर देखने जाएं तो इन्होंने नाजीवादी सिद्धांत दिया हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो इनका रशियन रेवोल्यूशन से कोई लेना देना था नहीं मैक्स मुलर याद रखेगा ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे ठीक है ये आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने आर्यन थ्योरी भी दी हुई है ठीक है कि आर्या जो है भारत में वो कहां से आए थे सेंट्रल एशिया से आए हुए थे ठीक है so सो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज इज ऑप्शन द राइट आंसर लेनिन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो याद ऑप्शनगा कि जो लेनिन है ये इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ठीक right है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है <coughs> अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि मालवा के किस सुल्तान को <coughs> राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया ठीक है इसमें से जरा सही आंसर जरा बताइएगा मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया और ये वही राणा कुंभा है जिन्होंने मालवा और गुजरात विक्ट्री पर याद रखेगा इन्होंने मालवा और गुजरात विक्ट्री की याद में मालवा और गुजरात विक्ट्री की याद में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था ठीक है तो आपने विजय स्तंभ के बारे में तो सुना होगा कि जो विजय स्तंभ इस है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था राणा कुंभ तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट ठीक है याद दैट इज महमूद खिलजी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है महमूद खिलजी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द का्डमोम इन इंडिया ठीक है तो जरा बताइएगा कि एलायची का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है तो दोस्तों कार्डमोम हिल भी मिलती है हमारे देश में तो कौन सा राज्य है जहां पर आपको का्डमोम हिल मिल जाती है कर्नाटक है केरल है सिक्किम है तमिलनाडु है विच ऑप्शन इज राइट सो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखेगा दरेजा केरला इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है केरल तो केरल याद रखेगा दोस्तों केरल की के अगर मैं बात करने जाऊं तो आपको मसाले का भी बहुत बड़ा उत्पादक मिलेगा है ना मसालों के लिए जाना जाता है ठीक है पीपर वगैरह के लिए और दूसरा इलायची का भी आपको यहाँ पर उत्पादन मिल जाएगा दूसरा आपको यहाँ पे क्या भी मिल जाएगा थोरियम तो याद रखिएगा थोरियम भी बहुत बड़ी मात्रा में केरल में पाया जाता है सॉरी क्लियर गाइजी यहां पर ठीक है सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज इज ऑप्शन द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि विच इज द ओनली इंडियन रिवर टू क्रॉस द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस सो टॉपिक ऑफ कैंसर आई होप कि आपको मालूम है ठीक है और हाँ बिल्कुल मसालों के लिए ही तो पागल थे यूरोपियन <coughs> जितने भी यूरोपियन आए वो सब केरल के मसालों के लिए पागल हुआ करते थे सो दोस्तों ये आपको मालूम है ये गुजर रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ आपको ये मालूम है ठीक है अच्छा तो ये एट स्टेट से गुजरती है दोस्तों है ना अब इसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि सिंधु नदी इसके मुहाने पर आकर के गिरती है और यहां पे एक नदी है जिसका नाम है माही तो ये माही रिवर है जिसको इसको ट्वाइस बार कट करती है चलो पार्ले जी भी आ चुके हैं और आज हम आपका रोज नाम लेते हैं इसलिए आज हम भी पार्ले जी का बड़ा वाला पैकेट लेकर के आए हैं ठीक है पहली बार हमने गुड्डे को ना खरीद करके पार्ले जी को खरीदा है तो आप लगातार इसी तरीके से, से सेशन में आते रहे वरना फिर से हमें गुड्डे पे स्विच करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल तो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है तो इसमें जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन वन इज करेक्ट माही रिवर दोस्तों याद रखिएगा ठीक है अगला सवाल देखिए हम लोग दे पूछा गया है कि विच अमंग फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है तो निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है प्राइम मिनिस्टर करता है मंत्रिमंडल करता है या फिर पार्लियामेंट ठीक है विच वन इज द राइट आंसर दोस्तों देखो जरा समझिएगा इसमें इसमें अगर आपने बात की गई हो कि हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट नंबर किसके बारे में फोर्टीन के बारे में तो पार्ट क्या बोलता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट तो केंद्र और राज्य के अंडर सेवा की बात की गई है ठीक है और इसका पार्ट कौन सा है दैट इज ऑलरेडी आपने देख लिया ठीक है सो पार्ट है इसका दोस्तों है ना ऑल इंडिया सर्विस आपने पढ़ी है कि ऑल इंडिया सर्विस की बात करोगे तो आर्टिकल थ्री वन टू में है और यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की बात करते हो तो थ्री वन फाइव में ठीक है थीके? तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है दैट इज आ द प्रेसिडेंट याद रखेगा इज करेक्ट तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 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 इससे पहले मिस्टर डोंग डोंग आ चुके बोल रहे हैं कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी भी सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया मैं सभी को बोलूंगा कि फटाफट एक बार लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए ठीक है बाकी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल जुड़ सकते हैं टेक्सबुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ और यूज कर सकते हैं कूपन कोड दर एस एच आई वीटी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इनरोल करना बहुत आसान है सबसे पहले तो ये लाइक वाला बटन दबा दें जितने लोगों ने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है फटाफट और ये ऑल पाला बैल, बैल जरूर दबाएं, सभी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगी मेरी मास्टर क्लास, के मास्टर क्लास जो कॉस्ट रहती है ठीक है बिल्कुल आपने इसको आकर अटेंड करना है ठीक है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है दोस्तों और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर ठीक है और साथ में यहां पर जाएंगे तो डबल ए आई का कोर्स मिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो सुपर कोचिंग कोर्स बेस्ट याद रखेगा आपके टीचर्स के द्वारा और जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है ठीक है सारे सब्जेक्ट आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल ठीक है एवरी कोर्स प्रोवाइडेड होते हैं साथ में अलग से क्लास भी होते हैं डाउट सेशन भी होते हैं ठीक है जो भी आपके इंडिविजुअल पार्ट हैं वो सब यहाँ पे कवर होते हैं ठीक है थीके? और यस अप्लाई कूपन कोड पे जाना ही जाना है आप सभी ने और कूपन कोड बिल्कुल यूज कर सकते हैं दैट इज एस एच आई वी के टी ठीक है और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट द डिस्काउंट और कोर्सेज का प्राइस हो जाएगा यहाँ पे बहुत कम तो तीन महीने का भी कोर्स जुड़ चुका है तीन ये कितने का थ्री फाइव सिक्स नाइन का सिक्स मंथ का आपका थ्री एट नाइन नाइन का और ट्वेल्व मंथ का है आपका फोर एट सेवेंटी फोर ठीक है सो आई होप कि गो फॉर वन ईयर वन ईयर के लिए जाइए ज्यादा बेटर होगा ठीक है क्योंकि प्राइस भी वहाँ पर आपके बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा और जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया तो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है तो पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते थे एनएस सेवन के बारे में अब एनएस सेवन से यहाँ पर ना होकर के आपको क्या हो गया श्रीनगर से लेकर के आप क्या पढ़ते हो कन्याकुमारी तो दोस्तों श्रीनगर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक हम लोग पढ़ते हैं विच वन इज राइट हाँ, तो सभी लोगों ने आंसर टिक कर दिया है यहाँ पर पहले एन एस सेवन था अभी क्या हो चुका है आपका एन एस फोर्टी फोर दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा गया कि नेम द कैलीग्राफर इन द अकबर कोर्ट ऑनर्ड विद द टाइटल जरीन क्लब तो कैलीग्राफर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका लेख बहुत अच्छा हो सुलेख मतलब अच्छी राइटिंग वाला ठीक है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो तो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी अकबर उसको अपने दरबार में नियुक्त करता था सम्मान देता था और उसको जरीन कलम का टाइटल देता था ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको जरीन कलम का, कलम का टाइटल दिया गया और ये थे याद रखेगा दैट वॉज द मोहम्मद हुसैन अबुल फजल आपने पढ़े कि ये जो अबुल फजल तो उनके एडवाइजर हुआ करते थे पीएम हुआ करते थे जिन्होंने अकबर नामा खुद लिखा हुआ ठीक है अकबर नामा और खासतौर से इन्होंने एक रिलीजन भी लीड किया था जिसका नाम था दीने इलाही तानसेन जो थे उनके समय में राज दरबार में ये म्यूजिशियन थे ठीक है और रीवा के राजा के यहाँ से यहाँ पे पहुंचे हुए थे और इनका आपने नाम भी पढ़ा हुआ था इनका जो नाम था अ तन्ना मिश्रा ठीक है तो इनका नाम भी आपने पढ़ा हुआ था देडवाजा तन्ना मिश्रा ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि लुई आपके जो सिक्सटीन थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे दोस्तों जो फ्रांस के राजा थे लुई सिक्सटीन उनके बारे में पूछा गया है कि वो किस से बिलोंग करते थे तो इसमें जरा सही आंसर करने का प्रयास करिएगा आपने देखा है कि जब फ्रेंच भारत में आते हैं ठीक है जब फ्रेंच सिक्सटीन सिक्सटी फोर में इंडिया में आते हैं उस समय इनका शासन था तो आपने पढ़ा होगा लुई फोर्टीन का तो उस समय लुई फोर्टीन का शासन था ठीक है यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग लुई सिक्सटीन के बारे में दोस्तों और ये किससे बिलोंग करते थे याद रखिएगा बोरबन ठीक है सो दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट बिल्कुल ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस अरेबिक बुक दैट इज अक किताब सो दोस्तों ये किताब है एक किताब है जो भारत भ्रमण पर लिखी गई है किताबो हिंद कह सकते हो या फिर कई बार इसको हम लोग क्या भी नाम देते हैं दैट इज अ तहकीक ए हिंदुस्तान ठीक है तो इसको एक और नाम दिया जाता है तहकीक ए हिंदुस्तान भी दिया जाता है दोस्तों ठीक है क्या नाम दिया जाता है तहकीक ए हिंदुस्तान ठीक है सो बीरवल है अलबरूनी है महमूद है या फिर मोहम्मद है सो दोस्तों सभी को मालूम है ये है अलबरूनी और ये आया था केम विथ ठीक है ये जरूर पढ़ के जाएगा केम विथ आपने पढ़ा होगा ठीक है महमूद गजनवी तो ये जो भारत में आया था ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया हुआ था और ये गजनवी भारत में चार लोगों को लेकर के आया था एक याद रखेगा फिरदौसी एक इतिहासकार था फिरदौसी दूसरा याद रखेगा एक था उतवी ठीक है एक था फारूखी और एक याद रखेगा कौन सा था अलबरूनी ठीक है तो इसके साथ हम लोग बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में पढ़ते हैं जो गजनवी के साथ रहते थे ठीक है इसमें फिरदौसी याद रखेगा उतवी याद रखेगा फारूखी याद रखेगा और कौन सा है आपका अलबरूनी तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है ना इन्होंने क्या लिखा किताबुल हिंद लिखा इसमें से कोई बता सकता है कि किसने साहनामा लिखा था और किसने तारीख यामनी लिखी थी तो दो और किताबें लिखी गई थी एक था साहनामा और एक है तारीख ये यामनी

और उलवी या उत्वी ने लिखी है तारीख ए यामनी तो इसने लिखी है तारीख ए यामनी ठीक है यामनी याद रखिएगा ये भी किसके ऊपर ही है आपके गजनवी के ऊपर ये दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच प्लेस इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर फेस्टिवल ऑफ डांसेस तो निम्नलिखित में से किस स्थान को मध्य प्रदेश में हम लोग फेस्टिवल ऑफ डांसेस के तौर से जानते हैं नृत्य के महोत्सव के रूप में जाना जाता है ओरछा है खजुराहो है भोपाल है या फिर चंदेरी है तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन uh, होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर ये आपको बताना है ठीक है जरा बताइएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है और यस yes, इसमें से जो करेक्ट आंसर है तेरेजा खजुराहो दोस्तों खजुराहो अभी हाल ही में रिसेंट में याद रखेगा इसका एट्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है एट्थ इंटरनेशनल याद रखिएगा फिल्म फेस्टिवल हुआ है खजुराहो में ठीक है एथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध हुआ ये और ये आपका पड़ता है कहाँ पर uh, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो और आपने पढ़ा भी होगा जो नानुक थे है ना या नन्नुक हम लोग बोलते हैं ये इसके फाउंडर थे और ये चंदेल डायनेस्टी की कैपिटल भी रह चुका है चंदेला डायनेस्टी की ठीक है और यहां पर नगर आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ठीक है ओरछा में भी होता है दोस्तों लेकिन याद रखेगा ओरछा एक्चुअली में रिलीजियस लोकेशन है और ये आप कह सकते हैं कि राजा राम यहाँ पे रा, जो है भगवान राम लॉर्ड राम है यहाँ पे राजा के रूप में विद्यमान है ठीक है और इनको छोटी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है मिनी अयोध्या आप कह सकते हैं ठीक है और इसको क्रीम सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है अभी हाल ही में यूनेस्को में भी इंक्लूड किया गया है आपका ओरछा नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मनीपुर डांस तो मणिपुरी जो डांस है वो निम्नलिखित में से किससे एसोसिएटेड है राजकुमार क्या पूछा गया है सिंहजीत सिंह है आनंद शंकर जयंती है रुकमणि देवी अरुण है और सोनल मानसिंह है सो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे आपको ये बताना है ठीक है तो वन होगा टू थ्री या फिर फोर ठीक है so सो इसमें से जो सही आंसर है राजकुमार सिंहजीत सिंह याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा तो ये इसका आप सही आंसर टिक करने जाएंगे ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम तो वंदे मातरम के लेखक कौन है रविंद्रनाथ टैगोर हैं वाल्मीकि हैं कालीदास हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों पहले तो याद रखिएगा ये जो वंदे मातरम है ये हमारा नेशनल सॉन्ग है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान तो ये नेशनल सॉन्ग है यानी कि आपका राष्ट्रीय गीत है और ये लिया गया है टेकन फ्रॉम याद रखिएगा टेकन फ्रॉम और बहुत ही प्रसिद्ध याद रखिएगा एक नॉवल से लिया गया जिसका नाम है आनंद मठ और ये आनंद मठ जो है ना याद रखिएगा एक समय बंगाल में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रेरणा स्त्रोत अगर आप माना जाए तो आनंद मठ ये रहा है स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रेरणा स्त्रोत रहा है लोगों के बीच में और आनंद मठ किसने लिखा है बंकिम चंद चटर्जी साहब ने और आपको यह भी मालूम होगा कि ये वंदे मातरम ये जो सबसे पहले गाया गया था फर्स्ट टाइम ठीक है याद रखियेगा ये गाया गया था कहां पर तो आईएनसी एन के एक असेंबली थी और ये आईएनसी एन के असेंबली थी 1896 में कहां पर कोलकाता में तो कोलकाता अधिवेशन जो आईएनसी का था अठारह में यह सबसे पहले गाया गया था दोस्तों याद रखेगा हाँ बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था कालिदास गुप्ता डायनेस्टी के थे ठीक है तो इनके बारे में तो एक अलग ही कालिदास याद रखेगा दोस्तों है ना ये आपके गुप्ता डायनेस्टी में लोकेटेड थे जिन्होंने मालविकाग्नि मित्र मेघ दूत अभियान शक्ुंतलम विक्रोम ठीक है रघुवंशम ये सारी किताबें लिखी वाल्मीकि जी को आदिकवि बोला जाता है आदिकवि मतलब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रामायण एंड महाभारत आप वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं जिन्होंने किसकी रचना की है तो रामायण की रचना की ठीक है तो इन्होंने तो बहुत बड़ा काव्य लिखा है ठीक है आप एक ग्रेट आप एक रामायण रविंद्रनाथ टैगोर आई होप कि आप सभी जानते हैं जिन्होंने हमारा मन लिखा हुआ ठीक है मन यानी कि नेशनल जो आपका कौन सा है राष्ट्रगान है ठीक है याद रखिएगा नेशनल जो आपका एंथम है मन वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि इन विच लैंग्वेज आर द पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट रिटिन तो पांडुकेश्वर जो हमको एक कॉपर प्लेट मिलती है वो निम्नलिखित तो में से किस भाषा में लिखी गई है हाँ गीतांजलि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक है जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को क्या भी मिला हुआ है नोबेल प्राइज 1913 में नोबल रविन्द्रनाथ टैगोर को द नोबल प्राइज इन 1913 थर्टीन फॉर द फेमस बुक दैट इज अ गीतांजलि सो ये जो याद रखिएगा पांडुश्वर की जो प्लेट है ये तांबे की प्लेट किससे बिलोंग करती है ये है आपके संस्कृत में ठीक है संस्कृत में बिलोंग करती है और अगर आप देखने जाए तो गुप्ता डायनेस्टी की जब भी हम लोग ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं ठीक है गुप्त साम्राज्य के अगर हम लोग कोर्ट लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी वो संस्कृत ही हुआ करती थी ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है तो निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था कृष्णा और कावेरी गंगा और यमुना महानदी और गोदावरी सिंधु और झेलम तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज द राइट आंसर ठीक है तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है याद रखेगा सिंधु और झेलम नदी दोस्तों ठीक है तक्षशिला के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो तक्षशिला थी वॉज कैपिटल ऑफ ये आपने पढ़ा होगा वॉज कैपिटल ऑफ किसकी ये कैपिटल हुआ करती थी गंधार यहाँ पे आपने एक यूनिवर्सिटी भी पढ़ी होगी दोस्तों है ना एक यूनिवर्सिटी की यहां पर एक विद्यालय भी लोकेटेड था और इस विद्यालय में जो टीचर के तौर पर काम किया वो किसने चाणक्य ने विष्णुगुप्त ने या कौटिल्य ने इसी तक्षशिला पर आपने गंधार पर एक राजा का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम था अम्बी जो कि जब अलेक्जेंडर इनवेट करता है तो वो उसके सामने सरेंडर कर देता है वेन अलेक्जेंडर इन्वेट ऑन इंडिया ठीक है सो द किंग ऑफ द गंधार और तक्षशिला वॉज द अम्बी ही सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द ही सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द आपने पढ़ा होगा किसके सामने सरेंडर कर देगा वो अलेक्जेंडर के सामने ठीक है तो ये सब आपने पढ़े होंगे ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है तो आज के समय में जब हम लोग सोलह महाजनपद पढ़ते हैं तो सोलह में से दो देश से बाहर हैं, देश के मैप से बाहर हैं जिसमें कंबोज है और गंधार है है ना और चौदह जो है वो भारत के अंदर थे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक तो निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है संगमरमर है सैंडस्टोन है क्वाट है या फिर स्लेट है सो तो इसमें से हम लोग किस ऑप्शन पर टिक करने जाएंगे वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर और इसका जो सही आंसर है दोस्तों दैट इज अड स्टोन याद रखेगा इज राइट right. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय तो ये जो आग्ने चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है डिपोजिशन uh, है ना और संपीडन रूपांतरण या फिर कंप्रेशन इग्नियस रॉक आर फॉर्मड बाय डिपोजिशन सॉलिडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंप्रेशन तो इसमें से जो सही आंसर है देर इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट ठीक है सॉलिडिफिकेशन याद रखेगा इज करेक्ट तो ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है सॉलिडिफिकेशन दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आ, पूछा जा रहा है कि आ, इन विच वाज इन पार्ट इंडिया। सो भारत में हम लोग अलग अलग किसानों के आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं जैसे आपने मोपला विद्रोह के बारे में सुना होगा मोपला एक नील आंदोलन सुना होगा दोस्तों ठीक है अलग अलग आपको किसानों के और ट्राइबल मूवमेंट मिलेंगे आपको ठीक है उन्नीसवी शताब्दी में हम लोग मोपाला विद्रोह के बारे में सुनते हैं नील आंदोलन के बारे में सुनते हैं ठीक है मुंडा रिवेलन के बारे में सुनते हैं दोस्तों ठीक है तो ये अलग अलग आपने सुनोगे इसी तरीके से था तेभागा आंदोलन तो ये दोस्तों कब हुआ था में, 1946 में ठीक है 1946 फोर्टी सिक्स इज द राइट आंसर ठीक है 1946 फोर्टी सिक्स इज द राइट आंसर बिल्कुल 1942 में आप क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं और 1942 में ही आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इस समय आपने एक प्लान के बारे में पढ़ा होगा, कि आपको अगला सवाल है एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम तो सत्यमेव जयते आपको मालूम होगा और ये कहा से लिया गया है टेकन फ्रॉम टेकन फ्रॉम कहा से लिया गया है आपके सारनाथ में जो आपका पिलर बना हुआ है उस पिलर के नीचे लिखा हुआ है ठीक है तो इसका जो एम्बलम है जरा बताएगा कि कहां से लिया गया है हमारा नेशनल एम्बलम सारनाथ पिलर एक हम लोग याद करते हैं और दूसरा कौन से उपनिषद सो हमारे पास दोस्तों टोटल 108 उपनिषद है याद रखिएगा दे रहा टोटल हाउ मेनी उपनिषद 108 उपनिषद और इन 108 उपनिषद में दोस्तों याद रखिएगा किसकी बात की गई है मुंडोक उपनिषद की ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है मुंडोक उपनिषद ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल पूछा गया आप देखो दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जहां पर 25 से ज्यादा सुपर टीचर्स के 17 प्लस वीडियो कोर्सेज हैं साथ में 1200 से ज्यादा मॉक टेस्ट 300 हंड्रेड प्लस स्टडी पीडीएफ नोट अंकुर सर रोहित सर पंकज सर के बेहतरीन लेक्चर डेली वन टू वन इंटरेक्शन सेशन गाइड सेशन तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं ठीक है और डिस्काउंट पाने के लिए बिल्कुल ये कूपन कोड जो है याद रखेगा सभी के लिए अपलिकेबल है कूपन कोड आपको लगा देना है दट इज एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और ये सभी कोर्सेज पर एप्लीकेबल दोस्तों ठीक है अगला सवाल लाला लाजपत राय वॉज नोन एज तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने एक इनकी एक बहुत ही फेमस किताब पूछी जाती है लाला लाजपत राय की कोई बता सकता है इनको एक नाम तो दिया जाता था याद रखिएगा यस uh, yes, बहुत इंपॉर्टेंट है शेर ए पंजाब या फिर आपने एक पढ़ा होगा पंजाब केसरी ठीक है पंजाब केसरी कोई इनकी किताब का नाम बताएगा इनकी किताब कौन सी थी लाला लाजपत राय की लाल बाल पाल अरविंदो घोष हम लोग इनकी चार किताबें पढ़ते हैं दोस्तों सॉरी एक हम लोग इनका एक पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन जिसमें हम लोग चार लोगों के बारे में पढ़ते हैं लाल बाल पाल ठीक है हाँ यस अनहैप्पी इंडिया बहुत प्रसिद्ध किताब है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों ठीक है याद रखेगा दरजा अनहैपी इंडिया ठीक है ये कई बार इनके एग्जाम में बुक पूछी गई है तो इसके बारे में जरूर एक बार देख के जाएगा ठीक है अगला तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि पंचवटी अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तो पंचवटी के बारे में तो आपने सुना होगा दोस्तों ना पंचवटी है ना पंचवटी के बारे में तो पंचवटी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है महाराष्ट्र में है और दोस्तों ये पंचवटी जो है पंचवटी से ही याद हो अगर आपको सीता जी का हरण हुआ था जो रामायण में कहानी है वो बताती भता, है नहीं नहीं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो स्थापित की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट वाज फाउंडेड बाय द यंग इंडिया लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में ठीक है तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं ना पंचवटी एरिया हो गया दोस्तों ठीक है तो ये यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको नासिक जो आप पढ़ते हैं त्रिमुकेश्वर जहां से आपको गोदावरी का उद्गम देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है अंजन पर्वत के बारे में सुनते हो ठीक है अंजन अंजनेय के बारे में तो वो भी आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा ठीक है तो लगभग सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी हाँ सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी भी है हाँ बिल्कुल वो भी है ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ uh, महाराजा रंजीत सिंह किंगडम तो महाराजा रंजीत सिंह दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है सो so ग्रेट आप कह सकते हैं ग्रेट किंग ऑफ इंडिया तो इन्होंने लगभग आप देखेंगे तो पूरा ये पाकिस्तान का एरिया इनके अंडर में था अफगानिस्तान का भी काफी बड़ा भाग इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था और बाद में जो अफगान कह सकते हैं कि आप अफगान और ईरान के राजा थे वो इनसे प्रभावित होकर के इनको कोहिनूर डायमंड भी दे देते हैं तो वो कोहिनूर डायमंड जिसको नादर शाह लेकर के आ गया था उसको दोबारा से किन के पास पहुंच जाता है वो महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंच जाता है ठीक है तो इनकी जो कैपिटल का नाम था दैट वॉज द लाहौर ठीक है ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर इनका जो पूरा उस समय क्या था कि देखो याद रखिएगा जो सिख साम्राज्य था वो छोटे छोटे बारह मिसल्स में बटा हुआ था और इन मिसल्स को उन्होंने इकट्ठा करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है फिर बाद में एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाते हैं और अंग्रेज धीरे धीरे सिख साम्राज्य को डिक्लाइन कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में दो दो ऑर हुए दे आर टोटल टू एंग्लो सिख वॉर और लास्ट में लॉर्ड डलहौजी के समय में जो पंजाब होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन जाता है हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट तो ये किसने बोला था कि भाई साहब फ्रीडम जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट ठीक है तो फ्रीडम भी आप कह सकते हैं फ्रीडम की जगह कई बार आप कह सकते हैं सुराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों फादर ऑफ याद रखिएगा अनरेस्ट बोले जाते हैं इनको कई बार एक टाइटल दिया गया फादर ऑफ अनरेस्ट दोस्तों याद रखिएगा ठीक है ये दिया गया इनको और इनको हम लोग लोकमान्य के टाइटल से जानते हैं लोकमान्य के टाइटल से जानते हैं ठीक है और इन्होंने भी अलग अलग किताबें लिखी हैं तो इनकी भी बहुत अलग अलग किताबें पढ़ के जाइएगा एक मराठा बुक लिखी है इनके द्वारा एक केसरी किताब लिखी गई है ठीक है एक गीता रहस्य जो है किताब वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है ठीक है तो ये भी एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है ठीक है गीता रहस्य हो गया मराठा हो गया केसरी हो गया ठीक है ये सारी बुक्स जो है इनसे जुड़ी हुई हैं इनको थोड़ा जरूर पढ़ के जाएगा ठीक है और बाकी आपको मालूम है कि ये किससे किससे जुड़े हुए थे तो होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे छह साल के लिए मांडले जेल में भी रहे डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की इन्होंने ठीक है तो काफी सारे पॉइंट रहते हैं इनके और जो आपका नाइनटीन का आईएनसी और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए प्लेटफॉर्म हुआ था लखनऊ में उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ठीक है तो जब हम लोग बात करते हैं ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1916 आईएनसी लखनऊ कॉन्फ्रेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लाला लाजपत राय ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी कन्फर्ट द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हों जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था ठीक है तो इसमें से जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट याद रखिएगा सेम मे मोनेक्सो इज द राइट आंसर ठीक है सोम मोनेक्सो right तो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है यहां तक क्लियर है दोस्तों सभी का तो जो भी लोग कनेक्टेड हैं जिन्होंने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार अटेंडेंस मार्क कर दें ठीक है उसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु शर्मा द्वारा लिखित सो so दोस्तों विष्णु शर्मा की एक रचना है और आप कह सकते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी के समय यह भी लिखी गई थी और इस रचना को ना बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग लैंग्वेजेस में आप देखेंगे कि यह ट्रांसलेट हुई है तो कथा सरित सागर है पंचतंत्र है देश है जातक है तो जातक दोस्तों हम लोग जब पढ़ते हैं तो जातक आप पढ़ते हैं कि ये रीबर्थ या रीबॉर्न स्टोरीज हैं ऑफ बुद्धा ठीक है तो आप पढ़ते हैं रीबर्थ स्टोरीज ऑफ री बुद्धा ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा ठीक है ठीक है सो ये है आपका जातक ठीक है इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट सब्ड फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन तो निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए कार्य किया आर वेंकट रमन है डॉक्टर जाकिर हुसैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और नीलम एस रेड्डी है ठीक है सो विच वन इज राइट आज जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं? अच्छा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे रहे हैं? रुक रुक के पढ़ाते हैं, अच्छा, तो right. रहा है इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर सबसे इनका ही रहा है और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डाइड ड्यूरिंग ऑफिस है डाइड ड्यूरिंग ऑफिस पीरियड तो दोस्तों ऑफिस पीरियड यानी कि कार्यकाल के समय ही इनकी Uh, मृत्यु भी हो जाती है और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई हुईन uh, लिख सकते हैं में 1969 में ठीक है जो सबसे लॉन्गेस्ट रहे हैं वो आपके राजेंद्र प्रसाद साहब रहे हैं ठीक है तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग भी रहे और दूसरा आप बोलेंगे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं दोस्तों ठीक है नीलम संजीव रेड्डी याद रखिएगा फर्स्ट अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थे ठीक है फर्स्ट अनअपोज्ड आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड अनअपोज इलेक्टेड तो ये याद रखिएगा दोस्तों ये बिना निर्विरोध तरीके सेलेक्ट किए गए थे ठीक है कोई भी इसमें विरोध नहीं था दोस्तों ठीक है तो नीलम संजीव रेड्डी याद ठीक है अगला सवाल देखेंगे और वर्तमान में तो आपको मालूम है द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आ, हमारे देश की पंद्रवी प्रेसिडेंट है पहली ट्राइबल वोमेन है दूसरी वोमेन प्रेसिडेंट है, है ना सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है और इनसे पहले जो थे वो आपके रामनाथ कोविंद साहब थे अभी आपने कुछ स्पीच सुनी होगी द्रौपदी मुर्मू जी की है ना और कुछ स्पीच से ही वो बहुत प्रसिद्ध हो गई और उनका जो व्यक्तित्व है एक अलग बहुत ग्राउंड टू अर्थ कह सकते हैं ठीक है जीवन को उन्होंने बहुत गहराई से देखा है अगला सवाल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है दोस्तों सो so, तिरुपति मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और आई होप की सभी को मालूम है कि बालाजी की पूजा की जाती है ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर यस अस्तिरुमला ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच स्टेट हैज द ज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व तो सबसे अधिक है महाराष्ट्र केरला वेस्ट बेंगाल या कर्नाटका फिर से देखिएगा दोस्तों अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच स्टेट हैज दाइएस्ट डेंसिटी ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया तो इसमें सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी कहां पर मिलेगी अब दिया गया केरल बट नाउ याद रखिएगा बट नाव अब चीजें चेंज हो चुकी हैं अब कौन सा है यूपी तो यूपी दोस्तों टॉप पोजीशन पर है और यूपी के पास पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं दोस्तों ठीक है तो याद रखिएगा यूपी के पास पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं अब आपका यूपी हो चुका है ठीक है महाराष्ट्र याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है रोड नेटवर्क के मामले में सबसे ज्यादा आपको रोड नेटवर्क महाराष्ट्र में मिलेगा और पोर्ट डेंसिटी के मामले में तो अगर आप सबसे ज्यादा बंदरगाह देखेंगे तो आपके कहां पर हैं आपके महाराष्ट्र में लेकिन अब वर्तमान में देखेंगे तो हम लोग यूपी यस यूपी विल रॉक तो आप पढ़ते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के बाद कुशीनगर चौधरी चरण सिंह लाल बहादुर शास्त्री और अयोध्या ठीक है तो याद रखिएगा अब यूपी इस समय आगे चल रहा है तो यूपी इस समय आपकी दो चीजों में आगे है ठीक है एक एयरपोर्ट के डेंसिटी के मामले में भी दोस्तों और कभी दूसरा पूछा गया रेलवे लाइन तो भारत में जो सबसे ज्यादा रेलवे लाइन की जो डेंसिटी है वो याद रखेगा कहां पर है यूपी में ही है दोस्तों ठीक है अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि हु हुट फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट ठीक है पूछा गया है किसने ये कहा था ठीक है तो ये स्टेटमेंट कथन निम्नलिखित में से किसका है हाँ, बरेली बिल्कुल बरेली के बारे में भी पढ़ते हैं आप द बाइबल जॉन मिल्टन है अलेक्जेंडर पोप है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है और इसमें से जो सही आंसर है दैर इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है अलेक्जेंडर पोप तो अलेक्जेंडर पोप याद रखिएगा इज करेक्ट ये इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है ये इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है अमंग द फॉलोइंग हिमालयन पीक विच इज द ईस्टर मोस्ट ठीक है तो जरा बताइएगा ईस्टर मोस्ट कौन सा है दोस्तों ठीक है ईस्टर मोस्ट हिमालय का आप निर्माण करिए आप शक्तिशाली हैं और और, और और लोकेशन देख लीजिए कंचनजंगा ये पड़ गया सिक्किम के पास कंचनजंगा नंदा देवी यहाँ पे आ गया कामेट आपके वो नेपाल वाले पार्ट का ही हिस्सा है ईस्टर्न मोस्ट की बात कर रहा है तो ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा है भाई सबसे ईस्ट में कौन सा आ जाएगा कंचनजंगा बाकी सब आपके यहीं पे पढ़ने वाले हैं तो ईस्टर्न सबसे ज्यादा जो मोस्ट मिलेगा वो आपका सिक्किम में ही मिल जाएगा और याद रखेगा हाइएस्ट पीक है ऑफ इंडिया हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया ठीक है हम लोग इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पढ़ते हैं दैट इज अ कंचनजंगा दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि वेयर द मोस्ट डिजर्ट फाउंड जरा बताइएगा डिज़र्ट्स आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे मतलब मरुस्थल अगर मरुस्थलों की बात करने जाओ तो आपको देखो दोस्तों किस तरीके से मिलते हैं ये हमारा प्यारा भारत इंडिया ये हो गया आपकी गल्फ कंट्रीज ठीक है ये इस तरीके से ये हो गया यूरोप यहाँ पर आप जाओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका और इस तरीके से आपका ये साउथ अमेरिका यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया तो आप देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा डेजर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे इस वाले भाग में ये इस वाले भाग में आपको मिल जाएंगे ठीक है सबसे ज़्यादा डिजर्ट्स मतलब जो भी आपको मिलेंगे जितने भी हैं सब इधर मिलेंगे इंडिया वाला भाग भी इधर ही आपको मिलेगा दोस्तों ठीक है तो यूरोप में तो नहीं मिलेंगे बड़े लेवल पे लेकिन यहाँ पे आपको जरूर मिल जाएंगे ठीक है सो तो इसमें से आप किस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कंटिनेंट के किस में मिलते हैं वेस्ट में तो याद रखिएगा किस में पढ़ोगे आप वेस्टर्न साइड ऑफ कंटिनेंट ठीक है तो जितने भी आपको डेजर्ट मिलेंगे ये कहां पे मिलते हैं वेस्ट वेस्टर्न साइड ठीक है समझ में आ गया किसके कंटिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट भाई साहब इंडिया के भी किस डायरेक्शन में इंडिया के भी देखोगे तो वेस्ट में ही पड़ता है ना थार डेजर्ट तो इंडिया के भी देखोगे तो वेस्ट में ही पड़ता है आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पूछा गया है सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन तो दोस्तों इनके डीओबी को डेट ऑफ बर्थ को हम लोग नेशनल वुमेन डे मनाते हैं नेशनल वुमेन डे तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा सरोजनी नायडू की बात चल रही है नागपुर सेशन मद्रास कानपुर या गया सो so दोस्तों गया सेशन में थे सी आर दास ठीक है याद रखिएगा सीआर दास और यहां पे था नागपुर 1925 क्या क्या बोलते हो आप नाइट ऑफ इंडिया बिल्कुल तो नाइट ऑफ इंडिया इन्हीं को नाम देते हैं ना दोस्तों है ना याद रखिएगा है ना दूसरा फर्स्ट वोमेन गवर्नर फर्स्ट वोमेन गवर्नर भी हम लोग पढ़ते हैं है ना अच्छा आपने वो नहीं बताया नेशनल वुमेन डे भारत का हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं एनीवन नेशनल वुमेन डे और इनकी किताब पढ़ के जाइएगा इनकी एक बुक है विंग्स ब्रोकन विंग्स एक है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे और एक होता है नेशनल वुमेन डे अंतरराष्ट्रीय तो दोस्तों याद रखिएगा <laughs> इनके डीओबी जो है इस समय शायद मुझे याद नहीं आ रहा है मे बी कुछ थर्टीन फरवरी या कुछ इस तरीके से है हाँ थर्टीन फाइव है और ये है आपका नेशनल वुमेन डे ठीक है <laughs> ये अच्छा आंसर था कि इनका राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं इनके जन्मदिन पर मनाते हैं नेशनल वुमेन डे इंटरनेशनल वुमेन डे आपका आठ मार्च है इनकी किताब पढ़ के जाइएगा ब्रोकन विंग ठीक है तो ये याद रखिएगा उसमें भी पार्टिसिपेट करती हैं आपके आ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करती हैं है ना क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आईएनसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इसका एक रीजन है सोनाली सबसे बड़ा रीजन होता है आपका ओशियन करेंट्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ ओशियन करंट ठीक है तो आपको एक बार जब आप ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना जब हम लोग कोल्ड और वो हॉट uh, जो है आप ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो रीजन इसका डिफाइंड होता है ठीक है कि जितने भी कंटिनेंट है आखिर ये वेस्ट में ही क्यों पाए जाते हैं ड्यू टू द ओशियन करेंट्स फ्लो ऑफ ओशियन करेंट्स रूमी दरवाजा कहां पर मिलेगा दोस्तों लखनऊ में आगरा में मेरठ में या झांसी में सो so, ये रूमी दरवाजा आपको मिलता है लखनऊ में ठीक है जब आपको मिल जाए तो जरा बताइएगा साथ में यहां पे आपको क्या भी मिलता है बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा ठीक है तो बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा जो है ये भी आपको कहां पे मिल जाता है लखनऊ में ही मिल जाता है दोस्तों ठीक है याद रहेगा ना सभी को यहाँ पर चलिए सो ऑप्शन वन इज राइट और आपको क्या भी मिल जाएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तो चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह ठीक है एयरपोर्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही और अभी इनका वो निकला हुआ है ट्वेंटी थर्ड दिसंबर तो ट्वेंटी थर्ड दिसंबर आप सभी जानते हैं कि ये किसके तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज अ एज फार्मर्स डे ठीक है ठीके? तो किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है अगला सवाल पूछा गया द लार्जेस्ट ऐश्वरी मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट तो विश्व का सबसे बड़ा ऐश्वरीन uh, नदी के मुहाने से संबंधित मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है केवला देव नेशनल पार्क और मानस सो so दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल सुंदरवन आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में है ना नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर मिल जाएंगे उत्तराखंड में केवला देव मिल जाएगा राजस्थान में और मानस मिल जाएगा आपको कहां पर आसाम में अब आपको मालूम है कि जो सबसे बड़ा विश्व का ऐश्वरी है ये कौन सा है आपका दरेजा सुंदरवन डेल्टा और आप इसको क्या भी बोलते हो लार्जेस्ट वेटलैंड uh, या रैमसर साइट ऑफ इंडिया रैमसर साइट ऑफ इंडिया भारत की जो सबसे बड़ी वेस्ट uh, कह सकते हो रैमसर साइट है वो यही है और सबसे छोटी रैमसर साइट है रेणु का जो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों ठीक है तो लार्जेस्ट वो भी है और इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं याद रखिएगा आपने वो तो पढ़ा होगा सुंदरवन डेल्टा के बारे में ठीक तो है तो सुंदरवन डेल्टा अमेजन ऑफ ईस्ट भी कहलाता है अमेजन ऑफ ईस्ट भी आप पढ़ते हैं ठीक है थीके? और इसका निर्माण किया गया है फॉर्म ड तो आपको मालूम है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र को अगर आप चाहें तो क्या भी कह सकते हैं पदमा और जमुना पदमा और जमुना को चाहें तो आप क्या भी कह सकते हैं मेघना तो पदमा जमुना गंगा ब्रह्मपुत्र या मेघना ये सारे नाम दे सकते हैं और इसको अमेजन ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं इसका सबसे बड़ा हिस्सा याद रखिएगा आपके सुंदरवन डेल्टा का आता है वेस्ट बंगाल उसमें बांग्लादेश में और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंडिया में है ठीक है पंद्रवें फाइनेंस कमीशन दोस्तों ये सब ने पढ़ा होगा पंद्रवें फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है यहाँ पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा विच वन इज द राइट आंसर सो दोस्तों जो फाइनेंस कमीशन है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ठीक है एक संविधानिक निकाय होता है ये और संविधानिक निकाय है तो आपके आर्टिकल 280 में परिभाषित है आर्टिकल 280 में परिभाषित है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है और प्रत्येक पांच साल के बाद इसका गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और इसके इस समय जो वर्तमान में हेड है ये फिफ्टींथ चल रहा है और इसके जो हेड हैं याद रखेगा एन के सिंह साहब तो एन के सिंह साहब है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है ये पूछा गया है सचिव के रूप में अच्छा अच्छा फिफ्टींथ जो है ये हेड है ये हेड है एन के सिंह ठीक है ये तो हेड है इसके सेक्रेटरी सचिव पूछा गया तो सचिव में अरविंद मेहता साहब हैं वाई वी रेड्डी याद रखिएगा फोर्टीनथ के हेड हुआ करते थे फोर्टीन के हेड और फर्स्ट के जो हेड हुआ करते थे वो याद रखिएगा दैट वाज द केशी नियोगी हाँ बिल्कुल पहले के थे कैशी नहीं होगी और तेरहवें के सॉरी चौदहवें के आपके वी वाई रेड्डी वाई वी रेड्डी और पंद्रहवें के एनके सिंह ठीक है right, राइट एवरीवन चलिए अगला सवाल बैक वाटर बे कोरल रीफ इटीसीआर क्लासिफाइड है इसको हम लोग किस रूप में डिफाइन करते हैं जो खाड़ी होती है बैक वाटर वे होता है और जो कोरल रीफ होती है जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ के बारे में पढ़ा होगा ना जिसको वर्ल्ड की अब डेंजर यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्ट कर दिया गया है कि भाई साहब ये आगे आने वाले समय में इसको खतरा है और ये नष्ट भी हो सकती है ठीक है जो ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ साइट है तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे वो कौन सा है दैट इज ऑप्शन इज राइट तो नेचुरल कोस्टल वेटलैंड ठीक है याद रखिएगा ये कैसा हो जाएगा ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल पूछा जा रहा है कि पैटागोनियन डिजर्ट uh, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो पेंटागोनियन आपका मरुस्थल है ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है यमन में अर्जेंटीना चाइना साउथ अफ्रीका विच वन इज राइट ठीक है तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा तो आपने जो पूछा मैंने नहीं बताया क्या पूछा तो मैं देख नहीं पाया आपने बहुत सारे कमेंट हो किए होंगे चलिए एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा सो so, दोस्तों ये मिल जाता है आपको कहाँ पे? अर्जेंटीना में ठीक है सो दैट इज़ ऑप्शन यस सेकेंड इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सेकेंड इज राइट तो अर्जेंटीना अभी हाल ही में आपको मालूम है कि वन फ़ीफा वर्ल्ड कप तो फीफा अभी रिसेंट में ही जीती है ये है ना वर्ल्ड कप जो हॉस्ट किया था 2022 का कतर दोहा में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोर्स ऑफ ग्रीन मैन्योर इज ठीक है विच वन इज राइट तो हरी खाद का जो स्त्रोत है वो क्या है ऑयल सीड्स हस्क और केक डोमेस्टिक वेजिटेबल वेस्ट या फिर आपने पढ़ा होगा जो सबसे सही आंसर ऑप्शन फॉर डिकम्पोजिंग ऑफ ग्रीन है ना प्लांट्स तो जो सही आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर अगला सवाल है विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिंक्ड बाय द चैनल टनल तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा एक युग में चैनल टनल द्वारा जुड़ा हुआ है ठीक है इसमें से राइट आंसर क्या होगा तो लंडन बर्लिन है पेरिस लंडन है बर्लिन पेरिस है या फिर बार्सिलोना बर्लिन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा है? एक युग में चैनल टनल द्वारा जुड़ा है और चैनल टनल द्वारा जो जुड़ा है वो कौन सा है दर इज ऑप्शन सेकंड इज राइट पेरिस लंदन इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द बादामी चालुक्य डायनेस्टी बादामी चालुक्य डायनेस्टी दोस्तों चालुक्य में आप अलग अलग पढ़ते हैं ईस्टर्न चालुक्य आज पढ़ते हैं ठीक है तो इसका ये जो पूछा गया है बादामी चालुक्य और बादामी चालुक्य के जो फाउंडर माने जाते हैं वो पुलकेशन वन माना जाता है नरसिंह वर्मन आपने पढ़ा होगा ये आपके जुड़े हुए हैं किससे पल्लवा डायनेस्टी से ठीक है तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ सिजम ऑफ बुद्धिज्म ठीक है तो जरा बताएगा कि निम्नलिखित में आ, से कौन बौद्ध धर्म के जीवों में से एक नहीं है सो दोस्तों हीनयान आप पढ़ते हैं ठीक है महायान पढ़ते हैं वज्र आन पढ़ते हैं ठीक है तो हीनयान आपने पढ़ा होगा जो सिर्फ

राजा रथा मोन्यूमेंट इज लोकेटेड तो धर्मराज मोन्यूमेंट जो आपका रथ है वो कहाँ पर स्थित है खजुराहो में कांचीपुरम सुचिंद्रम या महाबलीपुरम <coughs> so इसका जो राइट आंसर है देट इज महाबलीपुरम और ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर दोस्तों ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में और आपको मालूम है कि बिल्ट बाय इसका जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा पलवा डायनेस्टी और ये आपको मालूम है कि मोस्ट विजिटेड आप कह सकते हो साइट है ये बाय फॉरेन टूरिस्ट बाय फॉरेन टूरिस्ट ठीक है हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर तो आपने पढ़ा होगा ये महाबलीपुरम ठीक है अभी और ये Uh, मतलब अंतरराष्ट्रीय अगर हम लोग बात करने जाएं फॉरेन जो जो आपके विजिटर्स हैं टूरिस्ट हैं उनके द्वारा ये विजिट किया गया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकेशन अगला सवाल पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन तो दोस्तों सुगर केन के उत्पादन में अगर आप सबसे ज्यादा देखेंगे ना तो सुगर केन में अभी तक जो टॉप पर चल रहा है वो चल रहा है आपका कौन सा यूपी और सुगर इंडस्ट्रीज में जो सबसे ज्यादा आगे याद रखेगा जो सबसे ज्यादा आपकी सुगर इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी कहां पर आपके महाराष्ट्र में सो so, सुगर इंडस्ट्रीज मिलेगी महाराष्ट्र में और सुगर केन का प्रोडक्शन मिलेगा यूपी में मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो कहां पर याद रखिएगा नरसिंहपुर में ठीक है so, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर अभी आपने खंडवा में पढ़ा होगा खंडवा में एक मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट सोलर प्लांट लगाया गया है आपने पढ़ा हो रिसेंट में ठीक है एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट सेटअप किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा में ठीक है अगला सवाल है कि हु द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत तो निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी सहनाज खान सुषमा भदु छवि रजावत और आरती देवी ठीक है so सो इसमें से uh, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वन टू थ्री या फिर फोर विच वन इज राइट इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है छवी रजावत इज द राइट आंसर ठीक है छवी रजावत इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द बास्केटबॉल टीम तो बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है छ होती है सात होती है पांच होती है या फिर चार होती है छ सात पांच या चार ठीक है बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या और बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितनी है पांच ठीक है अगला सवाल पांच होती है भाई साहब सात कब से होने लगी वाटर पुलों में आपको सात मिल जाएगी इसमें तो पांच ही मिलेगी ना आपको तीन भी हो जाती क्या अपनी मर्जी से मत कर दीजिए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विद विच अदर कंट्री डज बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर विसाइड इंडिया तो बांग्लादेश निम्नलिखित में से और किससे भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है तो दोस्तों भूटान से तो शेयर नहीं करेगा एक ही पड़ता है म्यांमार है ना तो आपको मालूम है वो रोहिंग्या माइग्रेशन वाला इशू कि रोहिंग्या सबसे पहले म्यांमार से बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश से कहाँ पहुंच गए इंडिया के साथ तो बांग्लादेश और इंडिया की जो हम लोग सीमा पढ़ते हैं वो तो सबसे बड़ी है और वो आप पढ़ते हैं चार हजार छानबे किलोमीटर की फोर थाउजेंड नाइनटी सिक्स किलोमीटर है ना तो so, इसमें से जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर और अभी हाल ही में ये न्यूज भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री कूप है ठीक है मिलिट्री शासन है ना यहाँ पे तो मिलिट्री शासन और मिलिट्री ने अभी हाल ही में बिल्कुल इंडिया और ये म्यांमार के बॉर्डर के पास ही अभी कल एक विस्फोट किया था एक बमबारी की हुई थी ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट टू ट्रांसलेट भगवत गीता इन इंग्लिश तो ये जो भगवत गीता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था ठीक है विच वन इज द राइट आंसर ठीक है डीआरडीओ की जो पीडीएफ है शिवानी वो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगी है ना आपको जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा फाइल वाले सेक्शन में तो ये है आपके चार्ल्स विल्किंस चार्ल विल्किंस ने याद रखेगा गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया अगला सवाल है दोस्तों की द वर्ल्ड हाइएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर तो दोस्तों याद रखिएगा अगर पूछा गया कि ये कंट्री कौन सी है तो कंट्री है इसकी वेनेजुएला कंट्री कौन सी है याद रखिएगा दैट इज अ वेनेजुएला ठीक है तो कंट्री का नाम है दैट इज अ वेनेजुएला और अब आपको रिवर पूछा गया दोस्तों ठीक है युकॉन पिकॉस चुरुन और यांगटे ठीक है so सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड इज राइट ठीक है चुरुन इज द राइट आंसर ठीक है चुरुन इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगले सवाल है विरूपाक्षा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका विरूपाक्षा बिदर है बागलकोट है चिकबल्लापुर है और बिल्लारी है ठीक है So, इसका जो करेक्ट आंसर किंग ऑफ मेडिवल इंडिया हु यूनाइटेड राजपूत टूगेदर एंड फॉट विद फॉरिन पावर तो मध्यकालीन भारत के ऐसे राजा का नाम बताइए जिन्होंने राजपूतों को इकट्ठा किया और विदेशी शक्तियों से लड़ना शुरू किया तो एक ही थे राणा सांगा दोस्तों याद रखेगा अगेंस्ट किसके साथ आप देखते हैं बाबर तो बाबर के साथ लड़ने के लिए काफी बड़ा इन्होंने एक अलायंस खड़ा किया और आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ खानवा बैटल ऑफ खानवा लेकिन उसके बावजूद भी पराजय हुई और बाबर युद्ध जीत गया और यह युद्ध था पंद्रह का जिसमें बाबर ने एक टाइटल दिया था जिसका नाम क्या था आई होप कि आपने पढ़ा होगा दट इज तो जिहाद जो शब्द दे, है आप देखते हैं कि बाबर के द्वारा बैटल ऑफ खानवा में ही इस्तेमाल किया गया था ठीक है सांगा या संग्राम सिंह आप पढ़ते हैं राणा सांगा या फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं संग्राम सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो इतना पार्ट याद रखिए ठीक है अगला सवाल decision डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड इलेक्टेड लोकल should be बी सेटअप तो कौन सी कमेटी थी जिसने ये बोला डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी बात होगी तो आप हमेशा बात करने जाएंगे किसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट द पंचायत सिस्टम जब भी हम लोग याद रखेगा ऑफ पावर की बात कर रहे हैं तो पंचायत सिस्टम की बात कर रहे हैं और जब आप पंचायत सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप एक ही कमेटी की बात कर रहे हैं बलवंत राय तो दोस्तों बलवंत राय जो कमेटी बनाई गई थी उन्नीस में और तो आपने पढ़ा होगा कि इसने थ्री टीयर स्ट्रक्चर रिकमेंड किया था पंचायत का तो जब हम लोग पंचायत में थ्री टीयर स्ट्रक्चर की बात करते हैं और वो थ्री थ्री टीयर स्ट्रक्चर कौन कौन सा है तो सबसे पहले इसमें एक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर दैट इज अ विलेज विलेज के अलावा हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट है ना डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग एक पढ़ते हैं कौन सा ब्लॉक तो ये तीन हम लोग पढ़ते हैं ना विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट तो ये कौन सा है बलवंत राय ही है है ठीक अगला सवाल है नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट अथॉरिटी नाडा इज द ऑफिशियल स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो इसमें पूछा यह गया है कि राष्ट्रीय एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाडा किस देश की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया की इंडोनेशिया की या फिर लाओस की तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे बहुत सारे लोगों ने सही आंसर टिक कर दिया है इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों नाडा जरूर पढ़ के जाएगा कैपिटल याद रखिएगा इनकी कैपिटल है पियोंग यांग ठीक है पियोंग यांग और करेंसी हम लोग पढ़ते हैं वन और आपको मालूम है कि यहाँ के डिक्टेटर का नाम क्या है जिम योंग उन ठीक है डिक्टेटर है यहाँ के अगला सवाल हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक वेल्थ ऑफ अ नेशन तो ये जो किताब है वेल्थ ऑफ अ नेशन ये निम्नलिखित तो में से किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों तो कार्ल मार्क्स की हम लोग किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है दास कैपिटल और ये लिखी गई है एडम स्मिथ जो फादर कहलाते हैं किसके इकोनॉमी के तो आप पढ़ते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी है ना और इनके द्वारा एक वो भी दी गई है कैपिटलिज्म थ्योरी आप पढ़ते हैं ना पूंजीवादी प्रथा तो पूंजीवादी प्रथा इन्हीं के द्वारा ही दी गई है ठीक है दैट इज एडम स्मिथ इज राइट ठीक है अगला सवाल है एंड्रोमेडा क्या है एंड्रोमेडा तो हमारी गैलेक्सी के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों हमारी खुद की गैलेक्सी के नाम है मिल्की वे और मिल्की वे के नेहवर गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे ठीक है हम लोग इसको पढ़ते हैं ना नेहवर गैलेक्सी ठीक है नेहवर आप इसको गैलेक्सी पढ़ते हैं ऑफ मिल्की वे तो ये जो आकाश गंगा है उसकी नजदीकी गैलेक्सी ठीक है जिसका नाम क्या है एंड्रोमेटा ठीक है सो ऑप्शन वन अगला सवाल है कि इन विच ईयर डेड नेपोलियन बोना पार्टा क्राउनियन बोना पार्टा ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया सत्रह सो निन्यानबे अठारह सो दो अठारह सो पंद्रह या फिर अठारह सो आठ सो राइट आंसर देट इज अप्शन यस एट्टीन जीरो एट याद रखिएगा इज करेक्ट तो एट्टीन जीरो एट कैसा हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है एट्टीन जीरो एट इज द राइट right आंसर ठीक है अगला सवाल है आपका कि इज सिचुएटेड बिटवीन सिंध एंड बेतवा रिवर तो निम्नलिखित में से सिंध और बेतवा नदी के बीच में क्या स्थित है रायसेन विदिशा अशोकनगर या भोपाल फिर से देख लीजिएगा सिंध और बेतवा नदी के बीच में क्या स्थित है रायसेन विदिशा अशोकनगर या भोपाल और इसमें से जो सही आंसर है इज अशोकनगर याद रखिएगा इसमें कैसा हो जाएगा करेक्ट तो अशोक नगर याद रखिएगा इज राइट right, ठीक है अशोक नगर इज राइट ठीक है सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है सो चलिए दोस्तों ये था आज का सेशन सेशन को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का सेशन कैसा लगा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम एट द इसको फॉलो कर लीजिएगा बाकी आप किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं टेस्ट सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ और यूज कर सकते हैं कूपन कोड दैट इज एस एच गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और ये कूपन कोड आपके जितने भी कोर्सेस पर अपलीकेबल है दोस्तों ठीक है और इसके बाद अभी हमारी मुलाकात होगी याद

बढ़िया दूध में डुबो करके दो तीन बिस्किट खा लीजिएगा सब जितना भी एक्स्ट्रा पढ़ा है वो सब हजम हो जाएगा ठीक है डोंट वरी हाँ बिल्कुल ऐसे ही फास्ट पढ़ाएंगे डोंट वरी बिल्कुल हाँ चलिए सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय बाय टेक यस थैंक यू सो मच